डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस मेरे पास क्लास 8 के स्टूडेंट सिद्धांत ने भेजे थे, जिसमें से हम ए और बी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और इस ट्यूटोरियल में हम सी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इन तीनों का आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी थ्री क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन का वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो बाकी क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सी क्वेश्चन को हम यहाँ लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर, यहाँ पे एक रैशनल नंबर की बात हो रही है, इज़ ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 7। यानी कि जो न्यूमरेटर है उससे डिनोमिनेटर 7 ज़्यादा है। मीन्स कि जो रैशनल नंबर जो बनेगा वैसे बनेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उसमें जो रिलेशन वो ये है कि डिनोमिनेटर इज इक्वल टू मोर 7 मोर देन न्यूमरेटर, यानी एन प्लस 7, मतलब डी इज इक्वल टू एन प्लस 7 इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 13। यानी अगर आप न्यूमरेटर को आप 13 बढ़ा देते हो, यानी कि आप इसमें प्लस 13 कर देते हो, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 3, और डिनोमिनेटर को आप 3 घटा देते हो, यानी इसमें से आप -3 कर देते हो, द नंबर ऑब्टेंड इज, जो नंबर हमें मिलेगा वो नंबर कौन सा होगा? नंबर ऑब्टेंड इज 7/4। फाइंड द नंबर, आपको नंबर पता करना है। तो चलिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए न्यूमरेटर को हम एक्स मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, देन डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा आपका? इक्वल टू डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 7 ज़्यादा, यानी एक्स प्लस 7। तो नंबर क्या बनेगा? नंबर बनेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मीन्स कि न्यूमरेटर हो जाएगा एक्स एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा एक्स प्लस 7। तो ये है हमारा नंबर। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 13, मतलब ये जो एक्स है इसमें 13 जोड़ दिया जाए, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 3, और ये जो एक्स प्लस 7 डिनोमिनेटर इसमें 3 घटा दिया जाए, तो हमें 7/4 मिलेगा। चलिए जैसे ऐसा कहा गया वैसे वैसे हम करते हैं, ठीक है। एक्स प्लस 13, न्यूमरेटर में हमने 13 जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में हमें 3 घटाना है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ़र कर लेते हैं, डिनोमिनेटर है हमारा एक्स प्लस 7, जब इसमें से आप 3 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 7 -3, एक्स प्लस 4। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू जो नया नंबर होगा 7/4 होगा, ठीक है। बस इसी को हमको सॉल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ये होगा एक्स, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 52 इज इक्वल टू, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 7x, तो ये 7x प्लस 28। लाइक टर्म्स इकट्ठा कर लीजिए, 4x माइनस 7x इज इक्वल टू 28 माइनस 52, तो ये हो जाएगा -3x इज इक्वल टू -24। अब चूंकि दोनों जगह माइनस है तो आप काट दीजिए 3x इज इक्वल टू 24। कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि आपको नेगेटिव अगर दोनों तरफ मिलता है और दोनों नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे होते हैं, तब माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। और फिर भी ना समझ में आए तो मैं दोबारा इसको कर देता हूँ। देखिए ये आएगा आपका -3x इज इक्वल टू -24, तो x यहीं रहेगा। और -24 अपॉन -3 करोगे तो होगा क्या? माइनस माइनस फिर भी कैंसिल होना है, 3 8 24, तो x इज इक्वल टू 8। सो x हमने क्या माना था? न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर, या आप इसको छोड़िए, सीधा नंबर हम निकालते हैं। सो द नंबर इज इक्वल टू, नंबर हमारा ये था x अपॉन x प्लस 7 इक्वल टू, x की वैल्यू हो गई 8, और 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 8/15। दिस इज योर आंसर। यहाँ दरअसल इस पूरे स्पेस का मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए हॉरिजेंटल वर्टिकल जैसे भी मिलता है मैं सॉल्यूशंस बना देता हूँ। फिर भी समझने में कहीं आपको डाउट हो तो आप एक ऑनलाइन डाउट सेशन बुक करिए, बहुत ही लो पेमेंट पे, वहाँ आप हमसे
अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो अब हमने आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तीनों का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप जाके बाकी क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।